ये बड़ी खबर आपको बता दें, नारनौल में एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नारनौल में कार्यक्रम था, AICC के कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और अक्षत सिंह के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई है। विधायक राव दान सिंह के बेटे हैं अक्षत सिंह। AICC कोऑर्डिनेटर धीरू भाई पटेल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर कुलदीप वत्स यहां पर पहुंचे थे कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी करने के लिए, क्योंकि जो संगठन का निर्माण करना है, जो जिम्मेदारियां देनी है, उसको लेकर के रायशुमारी करने के लिए ये ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। नारनौल में जब पहुंचे तो वहां पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस में नारेबाजी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारनौल की ये तस्वीरें हैं जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए, आपस में ही नारेबाजी करते हुए नजर आए ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर के सामने। AICC के कोऑर्डिनेटर और PCC के ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे थे। कोई भी संगठन एक की ताकत से नहीं चलता, सही बात है, ठीक है, पहली बात तो है। और हम सब लोग पार्टी को मानते हैं अपनी माँ, जी सही है, वो सही है, दो बात तो सही है। तो तीसरा काम ऐसा है कि एक घर में बड़ा कारोबार होता है, पांच बेटा होता है, तो पांच को काम देना, तो कोई किसी को एक काम दे, दे तो घर चलता है। एक आदमी काम करे, चार बैठे रहे, तो पार्टी भी ऐसी तरह चलती है। आपकी जितनी जितनी जिसके पास जो क्षमता है, वो क्षमता के आधार से हम सब लोगों को काम देंगे। तो बाद में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद, उन्होंने समझाने की कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं को और जो समर्थक थे नेताओं के उनको भी, क्योंकि पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और अक्षत सिंह के जो समर्थक हैं, बताया जा रहा है, उनके बीच में आपस में यहाँ पर नारेबाजी हुई है। एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर की गई है दोनों के समर्थकों की तरफ से, दोनों नेताओं के समर्थकों की तरफ से। रावदान सिंह के बेटे हैं अक्षत सिंह और श्रुति चौधरी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की बेटी हैं, सांसद भी रह चुकी हैं और उपाध्यक्ष भी हैं हरियाणा कांग्रेस की, तो उनके समर्थक भी यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो दोनों ही नेताओं के समर्थक कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, अपना शक्ति प्रदर्शन अपने नेता के समर्थन में करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरफ जहाँ बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है पूरी तरह से, लेकिन वहीं रह रहकर के इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, इस तरह के बयान भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से सामने आते रहते हैं, जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है वो दिखाई देती है। और अब एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं नारनौल से, जब पार्टी के संगठन निर्माण का काम चल रहा है। AICC के कोऑर्डिनेटर और PCC के ऑब्जर्वर वहाँ पर पहुँचे तो उनके सामने ही दो नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ते हुए, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं ये कार्यकर्ता समर्थक उनके। आपको बता दें, दो नेता श्रुति चौधरी और अक्षत सिंह के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी हुई है। दोनों के समर्थक आपस में एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। रावदान सिंह के बेटे हैं अक्षत सिंह और श्रुति चौधरी पूर्व सांसद रह चुकी हैं। अक्षय यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अक्षय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी दोनों पक्ष के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए? बिल्कुल इतेंद्र, मैं आपको बता दूं कि आज जो महेंद्रगढ़ का जो नारनौल उसके जो कैनाल रेस्ट हाउस के अंदर जो कांग्रेस पार्टी उसके द्वारा जो जिला स्तरीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें AICC के जो कोऑर्डिनेटर हैं धीरू भाई पटेल, वो आज नारनौल के अंदर पहुंचे थे, जिनको कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी थी। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने जो जिला स्तर पर अपने जो कार्यकर्ता है उनके जो पदाधिकारी है उनका अभी तक चयन नहीं कर पाई, इसको लेकर आज ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो पूर्व मंत्री किरण चौधरी है उनके जो पुत्री है पूर्व श्रुति चौधरी जो सांसद
सांसद भी रही है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो, और राव दान सिंह जो महेंद्रगढ़ के विधायक उनके बेटे जो अक्षत राव है उनके जो समर्थक वो आपस में कहीं ना कहीं वहां पर उनके बीच में टकराव हो गया और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। दरअसल ये दोनों जो पार्टी के नेता हैं उनके जो समर्थक हैं वो अपने अपने जो नेता उसको लेकर जो ताकत दिखाने के लिए आज जो कैनल रेस्ट हाउस वहां पर पहुंचे थे, और जो अंदर जाने को लेकर उन दोनों के बीच में विवाद होता है, और जो किरण चौधरी की जो बेटी श्रुति चौधरी उनके समर्थक है, राव दान सिंह के जो बेटे अक्षत राव है उनके जो समर्थक है वो एक दूसरे के खिलाफ जो नारेबाजी वो शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार जो कांग्रेस पार्टी जो भले ही तमाम दावे करती है कि उसके अंदर गुटबाजी नहीं है लेकिन एक बार फिर जो गुटबाजी बिल्कुल अक्षर आऊंगा आपके पास, लेकिन कुलदीप वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसीसी ऑब्जर्वर हैं और विधायक भी हैं। कुलदीप वत्स जी आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। कुलदीप जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप वत्स जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी कुलदीप जी सबसे पहले आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, लेकिन सवाल यही है कि रह रहकर के कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो देखने को मिलती है, और अब एक बार फिर से जब संगठन निर्माण के लिए आप जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर राय शुमारी के लिए, तो ये स्थिति एक बार फिर से सामने आई नारनौल? देखिए ऐसा तो कोई गुटबाजी है नहीं, पर आज मैं नारनौल मैंने जाना था, आज मैं निजात का जी, तो मेरा 5 तारीख का नारनौल का प्रोग्राम, हमारा दोबारा मीटिंग है, पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो वर्कर हमारे साथी है हर आदमी अपने जोश में होता है और वो अपनी बात रखते हैं, पर हमारे वहाँ गुटबाजी की ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जिस तरह की ये नारेबाजी सामने आई है अपने अपने नेताओं के समर्थन में, तो क्या आप इसे गुटबाजी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है यहाँ? देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना एक दूसरे के खिलाफ कोई नारेबाजी हुई है, और मेरी नॉलेज में भी ऐसी एक्शन नहीं है। मैं आज नहीं जाता था, मेरे जज्जर में प्रोग्राम थे सुखेंद्र हुड्डा जी के साथ जी, पर मैं 5 तारीख को जा रहा हूँ, और अगर कोई ऐसी कोई भी अनुशासन करेगा, कोई अगर पार्टी के खिलाफ प्लेटफॉर्म पर कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसी हम बर्दाश्त नहीं करते। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि सारी कांग्रेस एकजुट होकर और सारे एक है जी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं कुलदीप वत्स जी, आप अगर हरियाणा न्यूज की स्क्रीन देख पा रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नारेबाजी हो रही है और दो गुटों में हो रही है। इसके बाद उनको हालांकि समझाया भी जा रहा है, वहां पर जो वरिष्ठ नेता पहुंचे उनकी तरफ से समझाइश भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का असर तो पड़ेगा दोनों ही गुटों में। देखिए ऐसा है, मैं आज नहीं था, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो इन पे जो भी कोई भी वर्कर जोश में, हमारे वर्कर जोश में कोई बात होगी तो उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे, पर हम सारे एक हैं, चाहे वो किरण चौधरी जी हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हो या दीपेंद्र जी हो, या सारी कांग्रेस पार्टी हमारी एक है, कोई नहीं जी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आपके नेता अक्षत राव जो कि रावदान सिंह के बेटे हैं उनके समर्थक थे और श्रुति चौधरी जी के समर्थक थे, उन दोनों के बीच में यहाँ पर नारेबाजी हुई है। देखिए मैंने कहा ना, अगर कोई ऐसी बात हुई है तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हूँ मतलब कार्रवाई करेंगे, और ऐसा अगर कोई ऐसे करता है आगे समय ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई मजबूत करना, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए अगर कोई कांग्रेस की विचारधारा रखते हुए अगर विचारधारा को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पर मुझे ऐसा नहीं लगता आपस में जोश में, अब जो हमारी जिला अध्यक्ष चल रही है तो हर आदमी दिखाता है कि हम जी सारे मजबूत है, तो हर आदमी अपनी मजबूती दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी, लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति हर जगह पर सामने आएगी तो क्या एक बार फिर से संगठन निर्माण में कहीं देरी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो संगठन निर्माण नहीं हो पाया उसकी वजह गुटबाजी ही तो है। देखिए हमने टाइम दे रखा है, हम 15 मतलब इस महीने के एंड तक पूरा कंप्लीट संगठन को तैयार करके डिक्लेयर कर देंगे, और कोई गुटबाजी नहीं है। और मैंने कहा दो चार जगह कहीं होता है जो उसमें अपने कार्यकर्ता होते हैं वहां अपने नेताओं के नारे लगाते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह की गुटबाजी से निपटने के लिए क्या रणनीति है हरियाणा कांग्रेस की? नहीं नहीं ये कोई गुटबाजी नहीं, सारी तैयारी है। आप कुलदीप जी एक बात समझिए, जब आप जाएंगे कहीं भी तो इस तरह की स्थिति हर जगह देखने को मिलेगी, जहां भी दो नेता बड़े नेता दिखेंगे जिले में तो उनके समर्थक आपस में इस तरह से अपना दम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति है आपके पास? नहीं हमारे पास रणनीति है, हम अपने कार्यकर्ताओं को पहले इसके लिए चेतावनी भी देते हैं और समझाएंगे कि भाई ऐसा किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ना करे, अगर कोई ऐसा करता है जी तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने होते हुए नजर आए, और जिससे एक बार फिर से कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखाई दे रही है, और ये जमीनी स्तर पर अभी तक बयानबाजी बड़े नेताओं में
होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं में भी इस तरह की नारेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। अक्षय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अक्षय, और ज्यादा जानकारी चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किस तरह की नारेबाजी हुई है और किन किन नेताओं के पक्ष में यहाँ पर अपनी अपनी बात जो है वो रखी गई है इन समर्थकों की तरफ से। बिल्कुल इतेंद्र, जो नारेबाजी है वो जो श्रुति चौधरी है उसके पक्ष में, उनके जो समर्थक है उन्होंने श्रुति चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। वहीं उधर जो दूसरा पक्ष था उसमें महेंद्रगढ़ के जो विधायक राव दान सिंह, उनके बेटे जो अक्षत राव है, उनके जो समर्थक है वो भी पहुंचे थे। तथा दोनों पक्षों के बीच में जो लगातार नारेबाजी हुई है और ऐसे में माहौल ऐसा बन गया था कि कहीं ज्यादा जो विवाद है वो बढ़ ना जाए, उसके बाद पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। तथा जो कुलदीप वत्स जो विधायक है वो भी आज इस कार्यक्रम के अंदर जो आमंत्रित किए गए थे, लेकिन आज किसी कारणों की वजह से वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं पहुंच पाए। जो धीरू भाई पटेल थे वो एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर थे वो आज पहुंचे थे, तथा उनको कार्यकर्ताओं से जानना था कि जिले को कौन संगठन को मजबूती दे सकता है। ऐसे में जो जिला महेंद्रगढ़ के लिए जो अध्यक्ष है तथा जो सचिव है, कई पदों पर जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए जो उनको जो अपने जो कार्यकर्ता है उनमें से कुछ लोगों का चयन करना था, लेकिन उसी बीच ये पूरा विवाद खड़ा हो गया और श्रुति चौधरी व जो कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह है वो भी लगातार जो सांसद के जो टिकट है उसके लेकर जो दावेदारी है कहीं ना कहीं वो जता रहे हैं। वहीं श्रुति चौधरी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद रह चुकी है, ऐसे में दोनों के जो समर्थक थे वो अपने अपने नेता के लिए वहां पर समर्थन के लिए पहुंचे थे, तथा वो अपने अपने जो नेता को जो ताकत है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। तो जो कम वहां पर जो कक्ष बनाया गया था उसके अंदर जाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ कि सिर्फ एक पार्टी के लोगों को अंदर किया जा रहा है, इसको लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और उस ताकत दिखाने के चलते दोनों पार्टी दोनों नेताओं के जो समर्थक थे वापस में कहीं ना कहीं उलझ गए। उसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी के कई जो वरिष्ठ नेता थे वो समर्थकों के कौन से पक्ष ने आरोप लगाया कि किस पक्ष के लोगों को अंदर बुलाया गया? देखिए, सबसे पहले जो किरण चौधरी पक्ष के जो समर्थक श्रुति चौधरी थे उनके जो समर्थक थे उनका आरोप ये था कि जो राव दान सिंह के बेटे अक्षत सिंह के जो समर्थक है उनको पहले अंदर बुलाया जा रहा है। ऐसे के चलते जो अक्षत सिंह को समर्थक अंदर जाने लगे, इस बात को लेकर वहां पर विवाद हुआ कि पहले उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही नेताओं के जो समर्थक थे वो अपने अपने नेता के लिए वहां पर ताकत दिखाने के लिए पहुंचे थे। इस बात को लेकर वहां पर ये पूरा विवाद होता है, तथा विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच नारेबाजी होती, उस पे जो पार्टी संगठन के जो वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा उसके बाद जो कार्यकर्ता उनके साथ मंथन भी किया जाता है, तथा उनको समझाया जाता है कि हम सबको जो पार्टी की जो मजबूती है उसके लिए कार्य करना है। इस तरह के जो विवाद है वो पार्टी के संगठन की मजबूती के अंदर। क्यों बुलानी पड़ी यहाँ अक्षय, पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या हाथापाई का भी कोई मामला सामने आया यहाँ? बिल्कुल, जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जो हाथापाई की जो कोशिश है वो भी वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है। जो समर्थक है वो आपस में नारेबाजी कर रही है, इसलिए कहीं जो विवाद है वो ज्यादा न बढ़ जाए, इसके चलते जो वहां पर जो दोनों समर्थकों के बीच कोई टकराव न हो जाए, इसके चलते जो पुलिस है उसको बुलाना पड़ा और पुलिस ने पहुंचकर वहां पर बीच बचाव किया। जी, लेकिन अगर बात की जाए अक्षय, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन फिलहाल जो ऑब्जर्वर पहुंचे या कोऑर्डिनेटर जो पहुंचे वो पहुंचे हैं संगठन निर्माण के लिए, संगठन लोकसभा चुनाव उसके लिए शक्ति प्रदर्शन है। जो श्रुति चौधरी है वो अपनी दावेदारी लगातार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से जता रही है, वो पूर्व में भी यहां से जो सांसद रह चुकी है, और राव दान सिंह वो महेंद्रगढ़ से कई बार विधायक रह चुके हैं, अब की बार वो भी अपनी जो संसद की टिकट है उसको लेकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसको लेकर ये दोनों ही जो नेता के समर्थक है आज जो एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर उनके जो सामने जो शक्ति प्रदर्शन है अपने नेता को लेकर वहां पर करने के लिए पहुंचे थे, और वहां पर ये नारेबाजी शुरू होती है जिसके बाद ये पूरा विवाद होता है। जी, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि फिलहाल तो जिला के संगठन निर्माण के लिए कोऑर्डिनेटर वहां पर पहुंचे, तो उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या किसी नेता के बारे में सहमति बन पाई? अक्षय, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद अक्षय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला नारनौल में सामने आया है, नारनौल में कोऑर्डिनेटर वहां पर पहुंचे थे, एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर वहां पर पहुंचे, जिला संगठन का जो निर्माण करना है या प्रदेश स्तरीय कांग्रेस कमेटी के लिए जिन पदाधिकारियों का चयन करना है उसके बारे में रायशुमारी करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे, अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे, लेकिन यहां पर कुछ नेताओं के जो समर्थक हैं, दो नेताओं के समर्थक मुख्य रूप से आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए, श्रुति चौधरी
और अक्षत राव, उन दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो एक दूसरे के समर्थन में नारेबाजी, वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। रावदान सिंह के बेटे हैं अक्षत राव और श्रुति चौधरी, यहां से पूर्व सांसद रह चुकी हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से, तो ऐसे में यहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं। करते हुए नजर आए नारनौल में कांग्रेस की गुटबाजी यहां पर देखने को मिली है। श्रुति चौधरी के समर्थक और अक्षत राव, जो कि रावदान सिंह के बेटे हैं, विधायक रावदान सिंह के बेटे, उन्होंने, उनके जो समर्थक हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। नारनौल में गुटबाजी देखने को मिली है कांग्रेस में एक बार फिर से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहां पर गुटबाजी देखने को मिली है अपने अपने नेताओं के समर्थन में और एक दूसरे नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए श्रुति चौधरी के समर्थक और अक्षत राव के समर्थक।